फ्रेंड्स, मैं पुनीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सॉल्यूशन पॉइंट चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि एल कंप्यूटिंग जो है या एन कंप्यूटिंग जो है वो कैसे इस्टेब्लिश की जाती है। दो तीन डिवाइसेज हैं जिनकी क्वारीज बहुत बार आ चुकी है, L300 या L250। इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे इसको रन किया जाएगा या कैसे इसको कन्फिगर किया जाएगा, इस पूरी वीडियो में हम A to Z देखेंगे। ये वीडियो टोटली स्पॉन्सर्ड है मिड्डा इलेक्ट्रोवर्ड से, सो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि कैसे कैसे और कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और ये पूरी प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की ही होगी। थैंक यू सो मच, वीडियो को आगे देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी प्रोसेस बताई जाएगी। सबसे पहले हम लोग वी स्पेस जो सॉफ्टवेयर इसके लिए ज़रूरी है उसे डाउनलोड करेंगे। क्रोम पे आ जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एन कंप्यूटिंग, ये वेबसाइट है, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद वेबसाइट को ओपन जैसे ही हम करते हैं, इस पे हमें सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना होता है। रजिस्टर की ऑप्शन ऊपर देखिए, लॉगिन और रजिस्टर, हम लोग रजिस्टर करेंगे। इस पे हम लोग आई वॉन्ट टू क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जो जो भी ये डिटेल्स मांग रहा है उस सारी डिटेल को फिल करने के बाद हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद लॉगिन करेंगे, जो अकाउंट डिटेल अकाउंट बना है वो फिल करने के बाद लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद सपोर्ट पे जाएंगे, ऊपर ऑप्शन आ रही है सपोर्ट की, ये देखिए सपोर्ट पे जाएंगे, नीचे है डाउनलोड सॉफ्टवेयर, देखिए डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, जैसे L300 हमारा प्रोडक्ट है ये सेलेक्ट कर लेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे विंडोज़ 10 और अप्लाई कर देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, विंडोज़ 10 करके अप्लाई कर देंगे। देखिए हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, एक पहला जो है एंटरप्राइज एडिशन, ये वाला हम नहीं करेंगे क्योंकि ये पेड वर्जन है, फुल फीचर के साथ आता है लेकिन ये हमें चाहिए नहीं। इसके बाद हमारे पास दूसरा भी है वी स्पेस प्रो करके, ये भी हमारे काम का नहीं है क्योंकि हम पेड वर्जन नहीं करने वाले। वी स्पेस प्रो LTS वर्जन, ये वाला हम करेंगे क्योंकि मोस्टली जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो 5 कंप्यूटर चलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चलते, उसकी प्रॉब्लम हम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, मैंने डाउनलोड प्रोसेस बताई नहीं है क्योंकि डाउनलोड मैंने पहले से कर रखा था, 400-500 MB का सॉफ्टवेयर है। ये देखिए इस पे मेरा डाउनलोड 485 MB का सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड ऑलरेडी मैंने कर लिया, हो गया है। उसके बाद हम लोग वेबसाइट का काम खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स क्रिएट करेंगे डिवाइस मैनेजर पे, जी लोकल यूज़र एंड ग्रुप में आ जाएंगे, यूज़र पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक एक करके हम लोग 9 यूज़र क्रिएट करेंगे क्योंकि हमने 9 कंप्यूटर बनाने हैं। ये देखिए कहाँ कहाँ पे पासवर्ड नॉट एक्सपायर्ड और चेंज, इन दोनों पे टिक लगा के हम अपने जो है कि 9 के 9 कंप्यूटर क्रिएट कर लेंगे। PC1 PC2 करके, पासवर्ड 123 123 करके हम लोग ऐसे करते जाएंगे, पूरी प्रोसेस को हम दोहराते जाएंगे 9 बार तक। ये देखिए मैं फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बता रहा हूँ। देखिए ये हमारे 9 क्रिएट हो चुके हैं, इसको हम करते हैं क्लोज और दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे। देखिए कैसे करना है, माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टी पे आ गए। इसके बाद नीचे देखिए रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, इसे ऑन करने के बाद कंफर्म कर देंगे। नीचे देखिए सेलेक्ट यूजर दैट कैन रिमोटली एक्सेस PC, इस पर क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। एडवांस पे क्लिक करने के बाद फाइंड आ जाएगा, फाइंड पे क्लिक करने के बाद हम जितने हमारे डिवाइस हमने क्रिएट किए थे, जितने अकाउंट्स क्रिएट किए थे वो ओके करके इसको ओके कर देंगे। जी इसको क्लोज करते हैं हम लोग। इसके बाद हमने क्या करना है, हम जाएंगे कंट्रोल पैनल पे क्योंकि हमने यहाँ पे फायरवॉल ऑफ करनी है, कैटेगरी को जाके लार्ज कर लेंगे। फायरवॉल देखिए यहाँ पे है विंडोज़ फायरवॉल डिफेंडर वाली ऑप्शन,
ऑप्शन पे गए और फायरवॉल को ऑफ कर दिया। बंद करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट जो है नेटवर्क पे जाकर, ये देखिए नीचे नेटवर्क शो हो रहा है, ऊपर नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्शन पे इथरनेट पे आएंगे, चेंज एडेप्टर सेटिंग पे आ जाएंगे, उसके बाद इथरनेट पे जाके प्रॉपर्टी पे गए और 4 पे जाके यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस फिल कर देंगे 192.168.1.10। 10 मतलब इसके बाद हम 255 तक कुछ भी फिल कर सकते हैं, सबनेट मार्क सेम ही रहेगा, और फिल करने के बाद ओके कर देंगे, दैट्स इट, हमारा ये वाली प्रोसेस कंप्लीट है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे जो हमने डाउनलोड किया था वी स्पेस, इसे इंस्ट्रक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। इंस्ट्रक्ट करने के बाद देखिए ये सेटअप फाइल नीचे शो हो रही है, इसको ओपन करेंगे, नेक्स्ट करते हैं, इसे एक्सप्रेस पे ही रहने देंगे, एक्सेप्ट करते हैं, इंस्टॉल करेंगे, इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं क्योंकि ये सारे सारे के सारे जो हैं इसी के हिस्सा है जी। अभी हम इसे कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेंगे, जैसे ही हम फिनिश करेंगे ये रीस्टार्ट हमारा कंप्यूटर खुद ही हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरी वीडियो पे साथ ही मिलते हैं, ओके। रीस्टार्ट के बाद हमारा पीसी ऐसे है, ये दोनों सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किए थे आ गए। वी स्पेस मैनेजर को क्लिक कर लिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे जी। आई हैव ऑलरेडी अकाउंट, जो अकाउंट हमने पहले बनाया था जो डाउनलोड करते समय, वही अकाउंट यूजर नेम और ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देंगे और लॉगिन कर लेंगे। एक आधा मिनट लेगा ये। लॉगिन के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस हमारा शो हो रहा है, ये देखिए। इसको स्क्रॉल करके साइड को कर लेंगे थोड़ा, ये देखिए ओपन वी स्पेस कंसोल पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे आ जाएंगे, एनेबल करके हमारे कंप्यूटर का जो नाम है वो फिल करके उसका पासवर्ड फिल कर देंगे। इससे क्या होगा कि कंप्यूटर हमारा स्टार्टिंग पे हमसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, वो खुद ही अपने आप को ऑन कर लेगा। इसकी सेटिंग पूरी की पूरी हमारी कंप्लीट होती है। अभी हम जो सेटिंग करेंगे वो सारी सेटिंग होगी हमारी क्लाइंट पे। क्लाइंट के ऑप्शन कुछ इस तरह है, देखिए इस पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइस सेटअप पे जाएंगे, ये ग्रुप और मैनुअल आईपी को इसको हटा देंगे जी। अभी कोई कनेक्शन नहीं शो हो रहा यहाँ पे। नेटवर्क पे जाते हैं दोबारा से, स्टैटिक आईपी पे, जो आईपी हमने वहां पे फिल किया था मेन पीसी पे, एक बार हम मैं आपको पीसी भी दिखा देता हूँ, जो आईपी वहां पे फिल किया होगा वही आईपी हम यहाँ पे फिल करेंगे, 192.168.3. देखिए वहां पे हमने जो फिल किया होगा, यहाँ पे हमने फिल किया है 30 के बाद 255 के बीच हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ 30 के बाद मैंने 40 फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे 3 फिल किया क्योंकि वहां पे भी मैंने 3 फिल किया, अगर मैं वहां पे 1 फिल करूंगा तो फिर यहाँ पे भी 1 फिल करना पड़ेगा। सबनेट मार्क्स सेम ही रहेगा 255 255 255 0। अप्लाई करके ओके करूंगा, जैसे ही कंप्यूटर मेरा एक बार ये रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट जैसे ही ये पीसी होगा, मेरे को मुझे जो स्टार्टिंग में मेरे सर्वर है, सर्वर का मेन शो होना शुरू हो जाएगा कि मैं इसे अब कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा अभी। अब देखते हैं कब तक ये शो करता है, बने रहिए इसी वीडियो में। जी ये देखिए सर्वर शो कर रहा है, लेकिन हम दोबारा से कहां पे जाएंगे, डिवाइस सेटअप पे, और हम लोग करेंगे लॉगिन सेटिंग, क्योंकि जो हमने पहले अकाउंट बनाए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो सारे यहां पे एक एक करके फिल करूंगा। पीसी 1 1 2 3 ओके कर दिया ताकि ये खुद ही कनेक्ट हो जाया करे। अभी कनेक्ट किया मैंने, अभी वेट करता हूं मैं, मेरा कंप्यूटर अभी यहीं पे
शुरू हो जाएगा। देखिए ये कंप्यूटर मेरा थिन क्लाइंट सेटअप हो गया है, अभी इस पर कुछ भी करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैंने सारे के सारे सेटअप कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी पे सेटिंग सेम रहेगी, आईपी एड्रेस हम आगे पीछे करते रहेंगे। थैंक यू।